नमस्कार नमस्कार भाई साहब, मैं बेकार से फिर सहायता कर सकता हूँ? मेरी सहायता आप ये कर सकते हैं भाई साहब, अभी मैंने 2 मिनट पहले 181 पे शिकायत करने के लिए फोन लगाया था। मेरी आधी शिकायत ऑपरेटर ने सुनी और बाद में उन्होंने कहा कि मैं जानकारी के लिए आपका फोन होल्ड कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। आप लाइन पे ही रहे? मैं लाइन पे ही हूँ और मैंने सीएम हेल्पलाइन पे सीएम की शिकायत करने के लिए फोन लगाया है। तो इस बता दी, ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है ना, इसलिए आपका कॉल हो गया होगा। नहीं, कॉल नहीं हुआ है, या तो उनके पास में जानकारी नहीं है या वो इसलिए घबराए डर गए हैं। सीएम की शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाने से आते हैं तो मैं सीएम की शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ ना, यहाँ पे नहीं होती ना। नहीं, क्यों नहीं होती भाई? मुझे बात बताइए, आपके पास किसी को आदेश है क्या? आपके पास ऐसे कोई आदेश है सीएम की? आपके पास ऐसे कोई आदेश है क्या? आपके पास किसी की जानकारी की है? आप ही बोलते जा रहे हैं, आप मेरी बात सुनी नहीं आए क्या? आप मेरी बात सुनी नहीं आए, आप ही बोलते जा रहे हैं। तो मैं क्यों आपकी बात सुनूं जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सीएम के खिलाफ शिकायत करनी था? आप बोल रहे सीएम की शिकायत नहीं हो, क्यों नहीं होगी बस सीएम की शिकायत? अब आगे तो अपनी बात सुनेंगे, क्यों नहीं होगी? हाँ बोलिए। यहाँ पे जो शिकायत दी जाती है, हाँ, विभाग में जो आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाते, विभाग में जो असुविधा होती है उसकी शिकायत दर्ज की जाती है। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताइए पहले, शिकायत दर्ज होती है, मुझे एक बात बताइए पहले होते हैं। अरे भाई, मैंने पहले आप मेरी बात सुनो, सीएम हेल्पलाइन पे ये कहा गया कि आपकी कोई परेशानी हो तो आप शिकायत करना, तो हमारी परेशानी सीएम से है ना, तो हम सीएम की शिकायत इसमें कर रहे हैं, उसमें दिक्कत किस बात की है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया, आपको किसने बोला कि आपको ऐसा बोला गया कोई समस्या हो तो? यदि आपकी शिकायत विभाग से संबंधित नहीं होगी, अरे तो मुझे भाई सीएम नहीं होगी यहाँ पे, मुझे सीएम के विभाग से शिकायत है ना, तो उसकी शिकायत नोट करो ना। आप कौन से विभाग में आता है? सीएम का जो कार्यालय है ना, मुख्यमंत्री कार्यालय जो है ना, मुझे उससे ही शिकायत है, तो उसकी शिकायत नोट करो आप कंप्यूटर पे, और सीएम को बताओ कि भाई जनता की शिकायत थी कि सीएम कार्यालय से जो जो घोषणा पत्र के अंदर घोषणाएं की गई थी उस पर कार्य नहीं हो रहे हैं, इसलिए जनता ने शिकायत करी है। सीएम तक मेरी बात पहुंचाइए ना। आप कहाँ रहते हैं, गांव में के शहर में? मैं भोपाल में प्रॉपर रहता हूँ। भोपाल में प्रॉपर रहते हैं? हाँ, प्रॉपर भोपाल में रहता हूँ। मेरा नाम MD चौबे है, मैं SSB का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हाँ तो बिल्कुल, आपको तो बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी यहाँ की। हाँ हाँ, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं ये कानून के तहत आपसे बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ ऑडियो। हाँ, ये मैं हाईकोर्ट के अंदर प्रोसीड करूंगा कि भाई ऐसा कौन सी नियम है कि सीएम की शिकायत नहीं कर सकते, अगर सीएम ने गलत काम करा है तो सीएम की शिकायत करेंगे हम। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे नहीं उपलब्ध है ये सुविधा, यहाँ पे उपलब्ध है नहीं। आपको सीएम तनख्वाह दे रहा है इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आपको आपकी ड्यूटी क्या है कि जो भी व्यक्ति आपकी शिकायत करे उसकी शिकायत सुनो। मेरी शिकायत है सीएम से, आप मेरी शिकायत नोट करो। नहीं, कहाँ नोट कर लो महोदय जी, आपको कंप्यूटर पे नोट कर लो भाई। अरे आपके हाथ, आपकी उंगलियां चल रही है ना अभी कीबोर्ड में। माय नेम इज एमडी चौबे, मेरी कंप्लेन आप कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कीजिए, आप उंगलियां चलाइए कीबोर्ड पे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ करके। ऐसी शिकायत दर्ज नहीं होती, आप नोट करोगे भाई? वो विभाग के संबंधित शिकायत। अरे ये किसने कहा है ऐसा कि विभाग सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करना है? तो मैं मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष के अंदर जो जो काम उन्होंने कहे थे वो काम नहीं करे हैं, वो मेरी शिकायत आप नोट कीजिए। यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं होगी भाई, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना। जानकारी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं, जानकारी मुझे आपसे नहीं चाहिए, मैं शिकायत बोल रहा हूँ, शिकायत नोट कीजिए, जानकारी थोड़ी चाहिए मुझे आपसे। आप मेरी शिकायत नोट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। मैं बाबा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। अरे भाई, मुझे आपसे जानकारी नहीं चाहिए, मैं शिकायत करता हूँ और आप तनख्वाह ले रहे हो कंप्यूटर पर बैठ के शिकायत नोट करने की, मेरी शिकायत नोट कीजिए आप। आपको सैलरी किस बात की मिल रही है कि जो व्यक्ति कोई फोन लगाए उसकी शिकायत नोट करना? नहीं, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, आप मेरी शिकायत नोट कीजिए। उसकी तनख्वाह आप ले रहे हो, अभी बैठ के तनख्वाह गिन, अभी 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगी ना आपके खाते में, नोट गिनोगे ना आप, वो किसकी गिनोगे आप? शिकायत करता की शिकायत करने के, तो मैं शिकायत कर रहा हूँ, मेरी शिकायत नोट करो कंप्यूटर पे आप। माफी चाहूंगा। तो माफी क्यों चाहोगे भाई, इसलिए चाहोगे? जबीर भी जिंदा है क्या, भारत के नागरिक नहीं हो क्या,
हराम की तनखा खा रहे हो क्या वहां बैठ के? सैलरी किस बात की ले रहे हो? तनखा किस बात की ले रहे हो? मुझे इसका जवाब दो आप, किस बात की तनखा ले रहे हो आप? मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। मुझे अरे जानकारी नहीं चाहिए मुझे आपसे। आप जिस चीज की तनखा ले रहे हो, शिकायत नोट करने की तनखा सरकार आपको दे रही है, मेरी शिकायत नोट कीजिए। और अगर आपने फोन डिस्कनेक्ट करा, ये मेरी ऑडियो हो रही है, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे जाएगी। ये मेरी शिकायत है मुख्यमंत्री के खिलाफ। मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपए की घोषणा करने की थी चुनाव में कि समस्त बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। कितने बेरोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को अभी तक 4,000 रुपए दिए गए? उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नहरों की जाल बिछेगी, रोडों की जाल बिछेगी। कितने रोड और कितनी नहरें बनी? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो महंगाई दर कम हो जाएगी। प्याज लहसुन अदरक टमाटर दाल चावल शक्कर कितने भाव कम हुए? ये सारी मेरी शिकायत है, जनहित की शिकायत है ना भाई। सुनो डॉक्टर को ना और सीएम तक पहुंचाओ। मेरी बातें आपकी समझ में आ रही है क्या? आपकी बातें मेरी समझ में आई है। हाँ तो जो मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो समस्त गरीबों को अस्पतालों के अंदर कम खर्च पर इलाज मुहैया कराया जाएगा। ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई थी घोषणा पत्र में, उसमें से कितने बिंदियों पर कार्य हुआ है अभी तक? हमने सर्वे करा है, कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम सीएम के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप शिकायत करना चाहोगे, आप नोट करते हो मेरी शिकायत को, और नहीं करते तो मना कर दो। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है। अब मैं कोर्ट को लगाऊंगा कि ये जो बंदा इतने बजे तक यहाँ बैठा हुआ है, इसको तनख्वाह किस बात की दे रही है सरकार? बिल्कुल ठीक है। आप जितने पॉइंट मैंने बताए बिंदु और आप नोट कीजिए कंप्यूटर के अंदर कि मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में ये कहा गया कि मैं समस्त बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपया भत्ता दूंगा। तो भत्ता मिला है क्या लोगों को? आपको मैंने शुरू में ही जानकारी दे दी, बता दिया है। मैं आपको एक ही चीज बार बार नहीं बताऊंगा। अरे तो मुझे आप जानकारी क्यों दे रहे हो महोदय? मैं आपसे जानकारी थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ ना कि आप मेरी शिकायत दर्ज करो कंप्यूटर में। आप अपने की बोर्ड के शिकायत दर्ज करो। आप मुझे जानकारी क्यों दे रहे हो? क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आपको ये कहा है कि मध्य प्रदेश का कोई भी शिकायत करता शिकायत करे तो मेरी शिकायत मत नोट करना करके? हमको मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करनी है भाई, मेरी शिकायत नोट करो ना आप। हेलो हेलो बोलिए भाई साहब। मैं आपसे विनम्र निवेदन पुनः करता हूँ कि मुख्यमंत्री के विरुद्ध मेरी शिकायत आप दर्ज कीजिए। क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं आप? आपको इसका पहले ही कारण बता चुका हूँ। बताइए ना आपका आपकी ड्यूटी टाइम क्या है? उस ड्यूटी के टाइम अगर आपके पास कॉल आता है शिकायत का, आपका सिर्फ एक ही ड्यूटी बनती है कि शिकायत दर्ज करना। आप मुझे जानकारी मत दीजिए, कारण मत बताइए, एक्सक्यूज मत दीजिए, आप मुझे कुछ मत बताइए। आपका दायित्व तो सिर्फ एक ही है कि शिकायतकर्ता अगर फोन लगाता है उनकी शिकायत कंप्यूटर में दर्ज करना। मैं शिकायत करता हूँ, मेरी शिकायत दर्ज कीजिए। इसके अलावा मुझे आप कुछ एक्सक्यूज मत दीजिए। और अगर आप मेरी शिकायत नहीं दर्ज करते हैं तो मुझे आप स्पष्ट मना कीजिए कि मुझे कमलनाथ ने मना किया है कि मेरे नाम से अगर कोई शिकायत हो दर्ज मत करना। ऐसा कहा है क्या आपको कमलनाथ जी ने? आपको मध्य प्रदेश के किसी मंत्री ने यह कहा है कि हमारे खिलाफ अगर शिकायत हो तो मत करना? आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। अरे यार फिर वापस आप वही बोल के बता चुके। क्या आपने मुझे कुछ नहीं बताया? मुझे किसी के खिलाफ भी शिकायत करने के लिए मेरे पास संवैधानिक अधिकार है। मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ, मध्य प्रदेश को टैक्स देता हूँ। मुझे जो भी क्षेत्र के अंदर समस्याएं हैं उसकी शिकायत करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं मुख्यमंत्री की शिकायत कर रहा हूँ। तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो भाई मेरी शिकायत? यहाँ पे जो शिकायत दर्ज नहीं होती, वो शिकायत कहाँ से दर्ज होगी? आप क्यों नहीं दर्ज होगी? ये आपके पोर्टल पे ऐसा लिखा हुआ है क्या? आपके पोर्टल पे लिखा हुआ है गृह मंत्री का या मुख्यमंत्री का या वित्त मंत्री का या विधायक का या कैबिनेट मंत्री की शिकायत नहीं कर सकते हो? क्षेत्र के अंदर अगर किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार करा उसकी शिकायत नहीं करूंगा क्या मैं आपसे?
अगर अभी मध्य प्रदेश के अंदर कोई विधायक या सांसद या कोई भी अदर अगर भ्रष्टाचार करता है और मुझे जानकारी मिलती है तो मैं शिकायत नहीं करूंगा उसकी क्या? तो मुख्यमंत्री ने पिछले एक वर्ष से जो झूठ बोला हुआ है, बेरोजगारों को 4,000 का भत्ता नहीं मिल रहा है, महंगाई मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रही है, नहरें और रोडों का काम नहीं चल रहा है, तो उसकी शिकायत नहीं करूंगा? किसान को उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है तो ये मैं शिकायत करूंगा? आप नोट क्यों नहीं कर रहे हो भाई शिकायत? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले आप मुझे कुछ नहीं बता चुके हैं। आप क्या है, बार बार ये कैसेट को रिपीट कर रहे हो ना? कितनी तनखा मिलती है? 10,000, 15,000, 17,000, 20,000 कितनी मिलती है? रिजाइन कर दो कल सुबह, तुमको इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। तुम लोग हराम की कमाई खा रहे हो करके, पैसे भर के कुर्सी पे बैठ गए हो। नैतिकता तुम में नहीं है क्या? एक नागरिक व्यक्ति जो रात को परेशान होकर फोन लगा रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं जानकारी दे चुका हूँ, जानकारी किस बार की जानकारी दे चुके हो मेरे को तुम? अब सुन नहीं पाऊंगा, मैंने सबसे पहले आपको वही बताया था। अरे पहले मैंने कुछ नहीं है, तुम्हारे पास में तनख्वाह लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तुम सारे लोग जो हो वो भ्रष्ट हो और तुम कलंक हो देश के नाम पे, हराम की तनख्वाह खा रहे हो तुम लोग बैठ के अंदर। डिसिप्लिन करो, फोर्स।